हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से डिस्कस करने आया हूँ जीके जीएस में, जो कि सेट नंबर 3 है। आज जो है नया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो डिस्कस करूँगा, जो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही अच्छे और कारगर होगा। सो लेट्स स्टार्ट। The power of lens is measured in diopters. Diopters में और lens का जो power होता है मेजर होता है। Candela is the unit of luminous intensity. ठीक है, तो ये बहुत important है। और दूसरा question है, human ear जो होते हैं कितने range of sound intensity सुन कर सकते हैं। 20 से 20,000 के रेंज में सुन सकते हैं। ठीक है, साउंड जो है हमको लेस देन, अगर साउंड जो है लेस देन 20 हर्ज हुआ तो इंफ्रासोनिक में आ जाएगा, अगर ग्रेटर देन 20,000 हो गया तो वो अल्ट्रासोनिक में आ जाएगा। 20,000 से ऊपर अल्ट्रासोनिक, 20 हर्ज से। साउंड डज नॉट यूज द साउंड डज नॉट ट्रैवल ऑन मून, मून में ट्रैवल नहीं करते। साउंड रिक्वायर्स है मीडियम, बिना मीडियम को साउंड नहीं चलेगा। इसका यूज़ क्या है, अल्ट्रासाउंड में यूज है सोनार का। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसको कहते हैं, सोनार का फुल फॉर्म। अब बैट्स कौन सा यूज़ करता है, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड जो है ना बैट्स यूज करते हैं। इसमें देख ले स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 328 मीटर पर सेकेंड, 325 किलोमीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड साउंड का स्पीड होता है। लाइट देखती है साउंड के बाद, इसी के कारण एलपीजी जो होते हैं, एलपीजी जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन दो को होता है। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम में ब्यूटेन और प्रोपेन, इसका स्मेल जो है किसके कारण था, इथाइल मर्करी के कारण स्मेल होता है। ठीक है, इथाइल मर्करी और लिक्विड जो है, लिक्विड पास हमेशा कौन सा होता है, हमेशा इथाइल होगा। परफ्यूम जो देता है इथाइल एसीटेट, परफ्यूम कौन सा देता है इथाइल एसीटेट। मोल इज ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वन मोल इज इक्वल टू कितना हो जाता है, एक मोल जो होता है 6.023 × 10²³, जो कि एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, इसको कांस्टेंट भी कहते हैं। नाउ ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स क्या करता है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, या तो इंक्रीज इन हाइड्रोजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इंक्रीज इन ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन ये होता है। ठीक है, और इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन, वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एट स्टेप इज इक्वल टू मोल बराबर 6.02 × 10²³ मोल होता है ना। सो ऑक्सीडेशन नंबर इसमें इंक्रीज करता है, ऑक्सीडेशन कितने एटम्स हो गए, दो एटम से दो से इतना करो। विच रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट सब प्रोडक्ट होता है। 2 mg ऑक्सीजन प्लस CH3SO2, ये बड़ा गलत है। ठीक है, E4+5O2, E4+O3 CH4+2SO2, CO2+2SO2
ठीक है, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इन पिग आयरन। पिग आयरन होता है ना, पिग आयरन कार्बन, इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होता है पिग आयरन। ठीक है, आयरन की इम्प्योरिटी है कार्बन, सिलिकन, फॉस्फोरस एंड मैगनीज, फॉस्फोरस एंड मैगनीज। पिग आयरन एंड रॉट आयरन, पिग आयरन में कार्बन 4% होता है, रॉट आयरन जो होता है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, रॉट आयरन जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। विच इज एम्प्लॉयड एज अ ट्रैंक्विलाइजर ड्रग, सेडेटिव में काम होता है, कामिंग इफेक्ट, वैलियम यूज होता है। ठीक है, बॉडी रिलीज्ड वेजोडायमिन और डायस्पर्म, प्रोमेथाजिन जो होता है एंटी हिस्टामिन, नैप्रोक्सन जो होता है एनएसएनएसटी होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी फंगल एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज ड्रग, स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। माइप्रिस्टोन ये प्रेगनेंसी के अगेंस्ट ड्रग दिया जाता है, विच इज़ नॉट एन और इसमें से एंटीबायोटिक कौन सा है, एंटीबायोटिक नहीं, कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है, तो इसमें देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो एरिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन जो होता है टेरासाइक्लिन होता है, पेनिसिलिन पेनिसिलिन का टेरासाइक्लिन है, ऑक्सीटोस का ये एंटीबायोटिक नहीं है, ये हार्मोन ये गर्ल्स में निकलता है चाइल्ड बर्थ के समय यूट्रस की कंट्रैक्शन के लिए। लॉस काउस दिया जाता है ऑक्सीटोसिन मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, काउस को इंजेक्शन, काउस को जो है ना इंजेक्शन दिया जाता है ऑक्सीटोसिन का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। वो इज अपॉइंटेड हेड ऑफ क्रिकेट नेशनल क्रिकेट अकेडमी राहुल त्रिवेदी। पहली लो सेंचुरी बनाई हमने अगर मालवा टेलर में, मध्य प्रदेश जो होता है ना हार्ट ऑफ इंडिया इसको क्या कहते हैं इसको, ये हार्ट ऑफ इंडिया ज़िला एक असीरगढ़ कहते हैं की ऑफ डक्कन। खजुराहो टेम्पल कहाँ है, चंदेलगंज में बना है खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल जो है चंदेलगंज फ्रांसी स्टोप जो सोपते ने बनवाया था, और ये मार्बल रॉक भी यहाँ है नर्मदा रिवर पर जबलपुर, तो इसमें है कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुरा फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, विंध्याज और सतपुरा के बीच, विंध्याज और सतपुरा के बीच में कौन सा रीफ वैली बढ़ता है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल्स नेशनल पार्क, पंजिहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है, सोमेटी इवेंट में 30th वोले में फर्स्ट इंडियन स्प्रिंटर जो गोल्ड जीता बीपी चंदू। ठीक है, ऑल इंडिया फेडरेशन द्वारा फिर द्वारा मेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया गया है किसे, सुनील छत्री को दिया गया है, फीफा आ गया, फीफा का मतलब हो गया था फुटबॉल इंटरनेशनल फेडरेशन एसोसिएशन, प्रफुल पटेल जीरो स्विट्जरलैंड हो गया, गैनी इन्फेंटिनो हेड है इसका, CMD ऑफ BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड प्रवीण कुमार, अभी पता नहीं कौन है, कमेंट में लिख कर बताइएगा। हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में बेस्ट इनोवेशन अवार्ड जो प्लान बी ने जीता वे क्षेत्र में दिया गया, नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन को मिला। ठीक है, पीयूष गोयल उस समय था रेलवे मिनिस्टर, अभी जो है सुनील चौबे है, चेयरमैन बोर्ड जो है विनोद कुमार होता है रेलवे का। पॉपुलेशन डे क्या मिलता है 11 जुलाई, फैमिली प्लानिंग वॉज ए ह्यूमन राइट की बात है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है रिपोर्टर से काम मनीला में, एमनेस्टी इंटरनेशनल
लंदन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, 18% वर्ल्ड की चाइना में, 18% वर्ल्ड की कहाँ, चाइना में 1.3 बिलियन जो है। ये है गया। फर्स्ट एवर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस मेरी फ्रीडम वॉज हेल्ड इन बिग सिटी लंदन में हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व्स द लीचिंग, गोल्ड और सिल्वर का एक्सट्रैक्शन जो है ना लीचिंग इन्वॉल्व होता है, जिधर साइनाइड एंड सिल्वर इज द लैब कोहोर्ट बाय डिस्प्लेसमेंट विथ जिंक 4 Ag+8 NaCl प्लस ट्वाइस H2+O2 लीचिंग होता है, ठीक है, लीचिंग का प्रोसेस है। हीम का मतलब क्या है, हीम का मतलब हो गया रेड, ग्लोबल का मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को पॉइंट करके रखते हैं, क्लोरोफिल जो होता है ना इसमें प्लांट्स और मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम उसको क्लोरोफिल में होता है, ब्लड जो होता है प्लाज्मा सेल होते हैं, ब्लड प्लाज्मा सेल होते हैं। हाईएस्ट गारंटी अवार्ड गिवन इन इंडियन आर्म फोर्सेस परमवीर चक्र को दिया जाता है, किसको दिया जाता है, परमवीर चक्र को दिया जाता है हाईएस्ट गारंटी अवार्ड। निपा वायरस जो है ये आउटब्रेक हुआ था फर्स्ट 1998 में निपा वायरस हुआ था मलेशिया का गांव में था, जिसमें इन्फेक्टेड बर्ड्स पिग्स का कारण केरला में होता, ठीक है। अडोबा नेशनल पार्क शेल्टरिंग हायर पैंथर एंड बियर महाराष्ट्र में गल्फ ऑफ इंडिया। गुगामल नेशनल पार्क, नवागांव नेशनल पार्क, संजय गांधी टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार, गिंडी नेशनल पार्क, अन्नामलय जैसे कहते हैं, मुद्दमलय नेशनल पार्क, बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कच्छ नेशनल पार्क। कर्नाटक, बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरवल नेशनल पार्क। कॉन्टिनेंट विद हाईएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिक ओशन, कहाँ से, अंटार्कटिक ओशन, ठीक है। इसी को कहते हैं कॉफी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको पाइए। कॉफी शावर जो होता है प्री मानसून शावर, इसको केरला में होता है, ठीक है, चिकमंगलोर एक जगह, चिकमंगलोर एक जगह, चिकमंगलोर। विजय सिद्धार्थ के डेथ हो गई थी उस पर बेंगलुरु में ही हो गया था। कौन सा आर्टिकल माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट में, आर्टिकल 29 जो है ना, आर्टिकल 29 बताता है माइनॉरिटी का, इसमें आर्टिकल 29 जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्टिकल 30 जो है एजुकेशन एंड कल्चर को बचाते हैं, आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर। आर्टिकल 27 धर्म के प्रचार में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, धर्म के प्रचार में कोई टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 26 जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। अल अजीजिया जो है ना द हॉटेस्ट प्लेस इन द वहाँ पे लीबिया कैपिटल ट्रिपोली। The process of restoring of forests once excited existed removed at some part of the practice for reforestation. Last generative power is a feature of which among the following cells बॉडीज, न्यूरोन, नर्व सिस्टम, पावर जनरेशन लीवर का, ब्रेन में, पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क इसे सेलेक्टेड सोयास को किल करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है।
77.7% डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड एंड 62.8 इससे 70 मिनट होता है 62 पॉइंट। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोला था सारनाथ में? धर्म चक्र परिवर्तन। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है का समय महात्मा गांधी ने बोला 8 अगस्त 1942। पैसिव रेजिस्टेंस क्विट इंडिया मूवमेंट जो लीडरलेस मूवमेंट होता है। कौन सा लीडरलेस मूवमेंट? महात्मा गांधी को क्विट इंडिया मूवमेंट जो लीडर महात्मा गांधी को कर सकते हैं अगर डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव इंजाइम होता है सिगरेटेड स्टार्च को स्टार्च को मेल्टोस में बदलता है। डाई का मतलब डाइसेक्रेट एंड स्टेज का मतलब एनर्जी हो गया। माउथ एंड ओरल कैविटी कार्बोहाइड्रेट से। कुंवर सिंह 1857 कहाँ से लड़के? बिहार के जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर से लड़े थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह तो लगता है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाया गया किस एक्ट के मतलब? एक्ट इमरजेंसी आता पैसे प्रेजेंट के पास 1950 को इमरजेंसी आया पैसे प्रेजेंट के पास नहीं था। पहला मल्टी पावर रिवर प्रोजेक्ट जो दामोदर रिवर है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है 1948 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दामोदर वैली प्रोजेक्ट 1948 में आया था। इसको सौरव बंगाल कहते हैं, वेस्ट बंगाल में। हीराकुड डैम मटेरियल जो है उड़ीसा में है। हीराकुड डैम कहाँ पर है? उड़ीसा में। हीराकुड डैम उड़ीसा में है। डैम्स आर द टेम्पल ऑफ इंडिया, ये कौन बोला था? ये बोले थे जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। यूरिक एसिड बढ़ने से गाउटी आर्थराइटिस हो जाता है, गाउटी आर्थराइटिस हो जाता है। इट ग्रीन न्यूक्लिक एसिड होता है। हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम एंड क्लोरीन है। सबसे ज़्यादा कौन सी है? ऑक्सीजन है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। मेटल में एल्युमिनियम, सेकंड आयरन, सिलिकॉन हो गया। सबसे ज़्यादा रिच ऑक्सीजन ही है, सबसे ज़्यादा रिच ऑक्सीजन। इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन बॉक्साइट, आयरन ऑक्साइड्स Fe2O3 हेमाटाइट, हेमाटाइट के Fe2O3 एल्युमिनियम को और बॉक्साइट। सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 क्लोजोनाइट एंड आयरन का मिनरल कौन सा? मैग्नेटाइट कौन है? मैग्नेटाइट हेमाटाइट लिमोनाइट सिट्राइट फोर्स ऑफ आयरन है। मैग्नेटाइट हो गया आयरन का मिनरल। कौन सा है? मैग्नेटाइट हो गया। मेलासाइट हो गया, कॉपर प्योर कैसेट्राइट हो गया, टिन फेयर कॉपर प्योर टिन फेयर मैग्नीशियम का पायरोलोसाइट। एक्वा रेडियो जो कंपोजिशन होता है HClNH3 का 3:1 रेशियो, गोल्ड एंड सिल्वर का प्लैटिनम CCl4 जो होता है आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। 1 माइक्रोफेराड मीन्स 10^-6 फेराड हो जाएगा। ये बीच डायरेक्ट पहुँच कर जाएगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज करंट। क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक यूनिट इसका एम्पियर। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यूनिट ओम होता है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस मैक्सिमम जो होता है वो मैक्सिमम होल्ड करता है चार्ज।
एक्टिव पोटेंशियल यूनिट वोल्ट होता है, एक्टिव पोटेंशियल यूनिट स्पेसिफिक पॉइंट करंट इसको कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ वायर फाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट अराउंड अ वायर फाइंड बाय द राइट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड थंब रूल जो है फर्स्ट फोर्स के बारे में बताता है, लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या होता है फोर्स के बारे में बताता है, ठीक है। सेकेंड फिंगर करेंट, फर्स्ट फिंगर फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड फिंगर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक जनरेटर में लेफ्ट हैंड थंब रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर में लेफ्ट हैंड थंब रूल। स्टैटिक क्वेश्चन क्या क्या हो गया, 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे, 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे, इस पर नेशनल साइंस डे, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे। डिवाइन कॉमेडी क्या दांते का किताब है, एन ऑटोबायोग्राफी वाला नेहरू का, वंकिम चंद्र सेटोपिक पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वियना स्टे नाटो जो है ना ब्रसल्स, इसका नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यू का, ऐसो का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो वियना ऑस्ट्रिया में, तो डेविस कप जो है डेविस कप लॉन टेनिस में आता है, साइडर कप गोल्फ में आता है, बाकी हॉकी में आता है, उसे अक्सर में फर्स्ट मैन टू फ्लाई टू स्पेस यूरी गागरिन, फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई एरोप्लेन राइट ब्रदर, पीएम ऑफ इंडिया एस बद्दार नायक। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में होते हैं, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, बिहू असम, नाटनाटी बिहार। तो फ्रेंड्स ये रहा क्वेश्चंस, अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपको अगला सेट फिर कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।